रिंकू कुमारी जी जो खुद दिव्यांग होते हुए भी इतना एक्टिव है और आप सभी को दिव्यांग जन को एक्टिव और एक करने में इनका मुख्य रूप है, जो कल से आज तक प्रमोशन रहा है कि आपको व्यवस्था कार्यक्रम करने में बहुत बड़ा बने, इस क्षेत्र के दिव्यांग जन जान सके उनको मैं चाहूंगा सभी के तरफ से स्वागत किया जाए और विशेष उपाध्यक्ष महोदय से चाहेंगे कि उनको गुलदस्ता दे करके स्वागत करें। रिंकू कुमारी जी जिला अध्यक्ष पानी भी आई है, उनसे भी चाहेंगे कि आप अपने जिला अध्यक्ष रिंकू कुमारी जी को स्वागत करें। इस दुनिया में केवल माता और पिता ही एक ऐसा
ऐसा शख्स है जो चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे बड़ा बने, और दुनिया में कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे बड़ा आदमी बने। इसलिए जीवन में आपको आगे बढ़ना है, दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ना है, तो आप अपने संगठन से जुड़िए, और संगठन से जुड़ के संगठन के लोगों से मदद लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। आप एड़ी छोटी एक कर लेंगे, कोई पदाधिकारीगण आपको मदद नहीं करेगा। पदाधिकारीगण तब देता है आपसे जब आपको जानकारी हो, जब ये जान जाएगा कि यह व्यक्ति जानकार है, यदि हम इसका काम नहीं करते हैं तो वह अगला पदाधिकारी से क्लेम कर देगा, उसको मेल कर देगा, उसको शिकायत का आवेदन दे देगा, तो हमारा क्लेम निष्कासन हो जाएगा। जब ये डर उसके माध्यम में बन जाएगा, उसके दिमाग में बन जाएगा, तो आपको योजना का लाभ मिलेगा। उसको डराना है कि हमारे पास भी जानकारी है, हमको क्यों पदाधिकारी नहीं डांट सकता। रीजन है कि हमें जानकारी है, आप हमें किस पॉइंट पे आप हमें काटेंगे, आपने किस पॉइंट पे हमको यह हक नहीं दिया, हमको जवाब दीजिए, आप हमारा आवेदन नहीं, आप हमको रिसीविंग दीजिए, हम अपना प्रूफ रखेंगे, फिर 15 दिन के बाद आपके कार्यालय में हम आएंगे, फिर आपने नहीं कुछ क्लेम किया, फिर हम रिसीविंग करवाएंगे, फिर 15 दिन के बाद जाएंगे। यदि 3 बार आपके साथ इस तरह से होता है, आप आगे के पदाधिकारी को आवेदन दे और रिसीविंग का संलग्न करें कि ये देखिए ये दिव्यांग लोग हमको 15-15 3 दिन यानी 45 दिन तक हमको टालना है, नहीं कैसे कार्रवाई होगी। यदि वीडियो साहब कार्रवाई नहीं करेंगे तो डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब नहीं कार्रवाई करेंगे तो कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, कमिश्नर साहब कार्रवाई नहीं करेंगे तो मंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्री जी नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। काम तो होना है लेकिन थोड़ी जानकारी चाहिए, आपको लोग बताने वाले नहीं मिलेंगे। और आज आपके साथ सबसे खुशी की बात है कि हम लोग जानकारी देने वाले आप लोग आए हैं, हमको बताने के लिए आए हैं। आज बिहार में पेंशन 400 रुपये की राशि है, सब लोगों को मन नहीं कर रहा है कि दिल्ली में 2500 रुपया का पेंशन मिल रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपको 2500 का पेंशन मिले, मिलना चाहिए। 400 रुपये में क्या होता है, आज आप पेट्रोल का कीमत देख लीजिए 105 रुपया लीटर से ऊपर हो गया, कितना महंगाई बढ़ गया। जितना सरकारी पेंशन भोगी है सबके पेंशन में बढ़ोतरी हुआ 14% का, हमारे पेंशन में क्यों नहीं बढ़ोतरी हुआ, क्या रीजन है जो दिव्यांग लोगों के पेंशन में बढ़ोतरी नहीं किया गया। सारा कुछ में हमारे सारे लोग टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ में आपने टैक्स लगवाया सब कुछ का। आज हम लोग बिजली उतना महंगा यूज कर रहे हैं, उसका भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं, रोड का टैक्स दे रहे हैं, दुकान का टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स के माध्यम से जो दिव्यांग लोगों को पेंशन मिल रहा है उसमें क्यों नहीं बढ़ोतरी की जा रही है। वो 400 धारा का धारा क्यों है, उसको बढ़वाना है। हम सरकार से गुहार लगाएंगे और इसके लिए हम लोगों ने रणनीति भी बनाया कि मैं वो 400 का पेंशन जो है आप बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली में 2500 मिल रहा है तो हमको बिहार में आप 2500 दीजिए, लेकिन बढ़ाइए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। बढ़ाने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कितना बढ़ाया जा सके, हम तो कहेंगे कि 10,000 कर दीजिए, लेकिन आप कर नहीं सकते। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको मंत्रिमंडल में तय हो रहा है उसका एक लिमिट क्राइटेरिया रखते हुए आप उस पेंशन को बढ़ाइए। हमारे दिव्यांगजनों को जो 35 किलो का राशन मिल रहा है वो राशन अभी तक क्यों नहीं 35 किलो मिल रहा है, वो 5 किलो का मिल रहा है, अभी भी दिव्यांगजनों को 5 किलो मिल रहा है। लॉकडाउन जो 2 साल तक लगा दिव्यांगजनों को कोई भी आपदा संरक्षण का कोई पैसा नहीं मिला, मिलना चाहिए था, सबको मिलना चाहिए दिव्यांगजन को। जनरल व्यक्ति को कमा के इधर उधर से खा सकता था, दिव्यांगजन घर बैठे रहे, उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके भी बच्चे हैं, कौन देखेगा, सरकार को देखना है। और हमको सरकार के साथ हमको कोई लड़ाई नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारा काम करे, हम सदैव सरकार के साथ हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो सरकार करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो आगामी 3 दिसंबर 2021 को पटना के गांधी मैदान में हम लोग दिव्यांगजनों का एक भव्य सम्मेलन करने वाले हैं, जिसमें दिव्यांगजनों के जितने भी हक हैं, उनके जो सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदत्त है, उन तमाम चीजों की जानकारी होगी। साथ ही हम अपने गांधी मैदान में बिहार सरकार को अपनी एक एकजुटता का एक परिचय देंगे। और आज हम लोग उसी उम्मीद के साथ आप लोग आए हैं, भैया ने कहा कि आप लोग जिस उम्मीद से आए हमारे दिव्यांगजनों का उम्मीद नहीं तोड़िएगा, बहुत अच्छा हमको लगा, हमको भी लग रहा है कि हमारे दिव्यांगजन आगे बढ़े। और जिस उम्मीद से हम लोग आज 23 तारीख से चले हैं, और हम लोग अपना है कि पूरे बिहार के 38 जिलों में अपना जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम हो, और हम अपने संगठन से सबको जोड़ते हुए उनको सारी सुख सुविधाएं दिलवाएं। इसीलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आगामी 3 दिसंबर 2021 को गांधी मैदान में आप लोग अपना जनसंपर्क के साथ अपने पूरी टीम के साथ पटना पहुंचे, और आप लोग का जो उम्मीद है मैं उसको पूरा करने में खरा उतरूंगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग जागरूक होने की जरूरत है, आप लोग जागरूक होंगे कैसे, आप अपने घर के बच्चों को बोले कि आपको मैं एक चैनल बता रहा हूँ, उसको आप सब्सक्राइब कर ले, डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब का एक चैनल हम लोगों ने बनाया है,
और उस चैनल पे हम लोग लगातार दिव्यांगजनों की जो भी सूचनाएं होती है मैं प्रदान करता हूँ। आप उस चैनल को मैं ही डिपेंड करता हूँ, मैं ही देखता हूँ, इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो भी वहाँ पे जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगा। आप अपने घर के बच्चों को कहें कि मोबाइल पर वो चैनल सब्सक्राइब कर रखे और जब भी दिव्यांगजनों की कोई योजना आती है वो अपने गार्जियन मम्मी पापा दिव्यांगजनों को बताए और जब इस तरह की बातें होगी तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक आपको बढ़ेगा और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। समय का अभाव है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे पीडब्ल्यू जी के जिला अध्यक्ष हमारे बांध के समान रिंकू कुमारी जी, इनको भी मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी इतनी महत्वपूर्ण समय दे करके इतना जोरदार इलाज कर दिए है, इसलिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने लगातार 3 दिनों से हम लोगों के साथ बातचीत करके और खास कर हमसे संपर्क बनाने में आपका योगदान रहा है, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस सीमांत जिला के पीडब्ल्यूडी के जिला डीपीओ सत्यदेव कुमार जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी अपना कीमती समय देकर के हमारे खास कर हमको सफल बनाने में उनका भी सहयोग रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे ही महाराजगंज प्रखंड से राज बिहारी उपाध्याय जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय देकर के हमारे कार्यक्रम में आने का साथ दिए है। सचिव है ज्योति कुमारी जी, उनकी भी मैं उनका भविष्य का कामना करता हूँ। लकड़ी नव नबीगंज ब्लॉक से हमारे रंजू कुमारी जी, बसंतपुर से रविशंकर यादव जी, दरौंदा प्रखंड से रंजन चौबे जी और एक दरौंदा प्रखंड के हमारे भाई यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपना परिचय अन्य हजारे के रूप में दिया है, उनकी भी मैं जो हमारे हम दिव्यांगजनों के बीच जो बात को रखे हैं उनके भी मैं जज्बा को सलाम करता हूँ, आभार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मेरे दोस्तों और फूलों के साथ अपनी बात को रखने का काम किए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वैसे ही हमारे एसोसिएशन में भाई को रहने की आवश्यकता है कि जो हमारे दिव्यांगजन को सड़क से सड़क तक पहुँचाने का काम करे। साथ ही साथ हमारे महाराजगंज अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड से, विभिन्न गांव से, गली से, कस्बे से आए हुए जो हमारे यहाँ छोटे भाई छोटे बहने हमारे माताएं बुजुर्गो गार्जियनों जहाँ उपस्थित हैं, इन सभी को मैं नमन नमस्कार अभिनंदन मतलब आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। अभी किसी भाई ने हम लोगों को पूछा कि एसोसिएशन को साथ दीजिए, हमारे कार्यक्रम में मदद कीजिए, तो वो कैसा एसोसिएशन, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पीडब्ल्यूडी जो है बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी आपके 2020 में बिहार सरकार और भारत सरकार सभी लोगों से आपकी मान्यता प्राप्त हो गई, जिसका सारा कागजात हम लोगों के पास है। और अभी प्रेस वाले भाई हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आप आचार संहिता है और आचार संहिता में आपने इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य, तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि अभी हमारे पास लेटर है जो मैं 23 तारीख से कार्यक्रम शुरू किया हूँ बिहार के हरेक जिले में, तो 22 तारीख को 22 लोगों को मैंने जिस जिस जिला में हमारा कार्यक्रम है फर्स्ट फेज में वहाँ भी मैं सभी जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, वहाँ के पढ़ने वाले विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय सभी को हमारे कार्यालय से हमारे लेटर नंबर से उनको पहले ही सूचित कर दिया गया है कि आपके जिले में, आपके अनुमंडल में, आपके प्रखंड में फलाने तिथि को फलाने समय में किस तरह का कार्यक्रम हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो करें, उनको सूचित कर दिया गया है। और जो हमारे दिव्यांगजन का कार्यक्रम है वो आचार संहिता में नहीं आता है, सारे लोग
लोगों को मेन बिंदु पर आना है कि अभी हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारे बहने यहाँ जो उपलब्ध है उन्होंने कहा कि आप को आने के बाद दिव्यांगजनों के अभी जगी है। इस बात को भी मैं सलाम करता हूँ, अपनी जज्बे और उनकी बात को सलाम करता हूँ। बात सही है, आज तक जो हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार की अनगिनत योजनाएं हैं आप लोग इस पर तिवारी आगे बोलिए। लॉजिस्टिक इंचार्ज इस समय ज्योति कुमारी, आइए ज्योति कुमारी जी। उनके साथ और एक सहयोगी महिला सदस्य में है रुकिएगा फोटो भी ले लेंगे आपका।